तो जी फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए हम लोग नोएडा से गुजरात शिफ्ट हुए थे, और इस बार की जो रोड ट्रिप हमारी होने जा रही है वो है गोवा की। और हम लोग सब कोई एक्साइटेड है, उत्साह से भरे हुए हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आपको रोड पे ले चलते हैं एंड लेट अस स्टार्ट। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो शाम के करीब 6:30 हुए हैं, 6:30 PM, और हम लोग निकल गए राजकोट से। अभी हम लोग राजकोट बाईपास पर हैं, और गोवा की बात करें तो हमें जाना है बेसिकली साउथ गोवा, जो कि यहाँ से करीब 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। इस ड्राइव के दौरान हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सतारा या कोल्हापुर में कहीं स्टे करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कोल्हापुर, और फिर वहाँ से अगली सुबह चलेंगे। तो फाइनली आफ्टर 45 मिनट्स वी आर आउट ऑफ राजकोट। राजकोट बाईपास पे बड़ा तगड़ा जाम लगा हुआ था मोरबी वाले कट पे। एनीवे ट्रैफिक तो इधर भी मिलेगा क्योंकि ये अहमदाबाद हाईवे है, शाम का टाइम है। अभी 7:15 हुए हैं और अभी तक बागोदरा तक हमें इसी हाईवे पर जाना है, फिर वहाँ से हम लोग कट ले लेंगे वासठ की तरफ। तो रात के करीब 8 हैं और अभी तक हम लोग चोटीला भी नहीं पहुँचे हैं। ट्रैफिक एज एक्सपेक्टेड, चूँकि अहमदाबाद हाईवे है तो बहुत हाई है, और बीच बीच में बॉटल नेक्स भी है, जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। तो अब थोड़ी देर में हम लोग चोटीला पहुँचेंगे। तो रात के करीब 8:10 हुए हैं एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग चोटीला। घर से हम लोग करीब 57 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। MID पर माइलेज 19.7 का है, 20 से कम दिखा रहा है, मतलब 18 के आसपास होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक में फंसते फंसते हम लोग आए हैं। अब होपफुली आगे जो है थोड़ा कम ट्रैफिक मिलना चाहिए। तो चोटीला के आगे BPCL के कोको पंप पर अपन रुक गए और टैंक फुल करवा लिया है। एक्चुअली तेल तो था और हाफ टैंक था, बट अब पता है कि यहाँ BPCL का कोको है तो फुल करवा लिया, अब आगे का पता नहीं। अब इतने तेल में जो है ना हम लोग आराम से मुंबई के अब पुणे तक क्रॉस कर जाएंगे। और गाड़ी की अगर माइलेज की बात करें तो अभी माइलेज 20 के नीचे है, लेकिन ये माइलेज हमारा इजीली 21 क्रॉस करेगा, मतलब क्रेटा का जवाब नहीं। लॉन्ग ट्रिप में तो यार इतना अच्छा माइलेज देती है ना कि एक टैंक फुल में आप 1000 किलोमीटर भी जी इसमें चल सकते हो। 50 लीटर का टैंक है इसमें। तो जी टैंक फुल हो गया और अपना भी टैंक फुल ही है। अभी हम लोग को 1.5 घंटे भी नहीं हुए, वीना जो है पिटारा खोल दी और खिलाते पिलाते हम लोग को ले चल रही है। बहुत कुछ लेकर आए हैं इस बार हम लोग घर से, तो इस बार चिप्स भी तल करके ले आए हैं। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं आगे कहीं चाय पीने के लिए रुकेंगे। तो लिमडी के पास करीब रात के 9:15 हम लोग पहुंचे हैं और ये ऑनेस्ट का रेस्टोरेंट है, यहाँ रुक गए, एक एक कप चाय पी लेते हैं क्योंकि खाने के लिए तो कुछ है नहीं, मतलब अपने पास ही इतना कुछ खाने के लिए है कि बाहर से क्या खरीदना, जब ख़त्म हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो चाय भाई हो गया अपना, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि गाड़ी के हेडलाइट और शीशे थोड़ा साफ कर लेते हैं। हम लोग अभी बागोदरा से पहले हैं और रात के करीब 10 हैं और बागोदरा ही नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अगेन एक लंबा ट्रैफिक जाम पिछले 1.5 किलोमीटर से मिला हुआ है और आगे भी 1-2 किलोमीटर तक है। तो जी हम लोग पहुंच गए बागोदरा, बहुत टाइम लग गया ट्रैफिक जाम में। अब यहां से हम लोग ये हाईवे छोड़ रहे हैं और ये जो सामने वाला हाईवे है इस पर जाएंगे बड़ौदा की तरफ। तो वेलकम टू स्टेट हाईवे 8। ये जो स्टेट हाईवे है बागोदरा से वासठ को कनेक्ट करता है। वासठ वो पॉइंट है जहां पर हम लोग दिल्ली मुंबई NH 44 को टच कर जाएंगे, बट अपन इसमें वासठ तक नहीं जाएंगे,
उसके पहले ट्रिक है बोरसाट से अपन राइट टर्न ले लेंगे। और अब रात के चूंकि 10 बज गए हैं तो खाना खाना है लवी? हाँ। खाना है हाँ। तो चलो कोई ढाबा वगैरह देखते हैं, वहाँ रुक के खा लिया जाए। तो बागोदरा के आगे हम लोग एक ऐसे ही ढाबे पर रुक गए। ढाबे से तो कुछ लेना नहीं है हमें, घर से तो खाना वगैरह लेकर आए हैं, तो चूंकि रात के 10:30 बजने वाले हैं तो हम लोग यहीं खा लेंगे, गाड़ी में बेड बना लेंगे और उसके बाद बच्चे आराम से पीछे सोएंगे और फिर खा पी करके हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। तो घर से हम लोग पूड़ी और सब्जी लेकर आए हैं, इस बार पराठा मिस कर दिया, पता नहीं बिना वो क्या मूड आया। एनीवे भाई घर का पूड़ी सब्जी जो है ना हाईवे पर ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम लोग ने खाना खा लिया और मम्मी पापा बिस्तर बना रहे हैं। हमारा खाना पीना हो गया और बेड भी लगा दिया हमने, अब बच्चे सो रहे हैं, दैविक का शैतानी चालू है। हम लोग भी अपनी कलते हैं। हाँ ये चादर मैं अपने लिए रखी हूँ आगे। हाँ तो जी हम लोग स्टेट हाईवे 8 पर अब 62 की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रिक ये है कि हम लोग बोरसाट से राइट कट लेंगे और सीधे ना उधर की तरफ जाएंगे, मतलब भरूच की तरफ, अंदर अंदर के हाईवे से। अब वो कैसे जाएंगे, क्या रूट फॉलो करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये जो रूट है ना, हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है सूरत से, सुभाष जी, उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि वैसे भी बड़ौदा से सूरत तक वाला जो हाईवे है ना उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो ये अंदर वाले रूट से हम लोगों का 2 टॉल भी बचेगा और उस ट्रैफिक से भी हम लोग बचेंगे। इट्स 11:40 PM और हम लोग पहुंच गए बोरसाट और यहां से हमने ये हाईवे छोड़ दिया। ये हाईवे बड़ा मस्त है, मतलब बागोदरा से वासठ जाने के लिए 6 लेन है, स्मूथ है। एनीवे अब हम लोग वासठ जाके नेशनल हाईवे 44 कनेक्ट नहीं होंगे। अब हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से बोरसाउथ टाउन को क्रॉस करके जाएंगे आगे बड़ौदा की तरफ, यहां से टर्न। तो बोरसाउथ के बाद हम लोगों को इस तरह का एक रोड मिला है, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली रोड है, शायद सुनसान रोड है, इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं, बट रोड की कंडीशन ठीक है। तो हम लोग पीछे थोड़ा रास्ता भटक करके किसी गांव वाली सड़क पर चले गए थे, अब सही हाईवे पर आ गए हैं। ये NH 148M है जो बोरसाट से बड़ौदा की तरफ, बड़ौदा के पास ना एक पाडरा करके जगह है, वहां से क्रॉस करेगा। रात के करीब 12:20 हुए हैं और हम लोग अभी माही रिवर क्रॉस कर रहे हैं, बड़ौदा के आसपास है कहीं, और घर से करीब 280 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। तो बड़ौदा के पास ये पाडरा नाम की जगह है या छोटा सा कस्बा कह लीजिए, वहाँ हम लोग पहुँचे हैं रात के करीब 12:30 और नेशनल हाईवे हमने छोड़ दिया। अब ये एक स्टेट हाईवे है जिससे हम लोग करजन की तरफ जाएंगे। तो करजन को पाडरा से जोड़ने वाला ये है स्टेट हाईवे 160 और इस पे जो ट्रैफिक है, एज यूजल रात का टाइम है, 1 बजने वाले हैं तो बहुत कम है, कुछ बाइक्स वाले दिख रहे हैं। और रात में भाई इन सब हाईवे पे चलने का अलग ही मज़ा है, पतले पतले हाईवे हैं और इसमें ब्रेकर लेकिन बहुत ज़्यादा है। इट्स 1 AM और हम लोग पहुंच गए करजन और अब यहाँ पे एडवेंचर अपना ख़त्म करते हैं हम लोग। वैसे तो इसके आगे पलेज तक भी जा सकते थे,
ऐसे ही पतला स्टेट हाईवे मिलेगा, बट यहाँ से अब हम लोग नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेंगे NH-44, दैट इज़ दिल्ली मुंबई हाईवे, और आगे की जर्नी अब उसी पर कंटिन्यू करेंगे। रात में 1-1.5 घंटे हम लोग इधर स्टेट हाईवे और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो करजन के पास अपन आ गए NH-44, दैट इज़ दिल्ली मुंबई हाईवे। अभी तक 1 रुपए का टोल नहीं लगा था, अब यहाँ से अपना कटना चालू हो जाएगा। काटो भाई। इट्स 1:40 AM और अभी हम लोगों ने नर्मदा ब्रिज क्रॉस किया है, भरूच के पास है, और ये भरूच के पास वाला टॉल है। अब नींद मुझे आ नहीं रही है, बाकी लोग गाड़ी में सो रहे हैं, मैं भी कहीं आगे अब सोच रहा हूँ गाड़ी लगा के सो जाऊँ। तो रात के करीब 2 बजने वाले हैं और हम लोग अभी अंकलेश्वर के आसपास है कहीं, और एक चाय की दुकान दिख गई तो चाय पीने रुक गए। तो कायदे से तो मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि 2 बज गए हैं। वीना भी कह रही है कि सो जाइए, बट अब नींद आ नहीं रही। और ऐसा नहीं कि दोपहर में बहुत सोया हूँ, दोपहर में भी क्लासेस ही ली हैं, लेकिन अब नींद नहीं आ रही, तो सोच रहा हूँ जब तक हो सके ड्राइव कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी 3 बजे तक के आसपास मुझे सोना पड़ेगा। 3 से 6 सो लूँगा अगर 3 घंटे, तो कल पूरा दिन फिर मुझे ड्राइव करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सूरत से करीब 25-30 किलोमीटर पहले हम लोग रुक गए। ये कोई होटल है काठियावाड़ी, और अखबार मैंने लगा दिए गाड़ी में, अब मुझे भी हल्की फुल्की नींद आ रही है, तो अब हम लोग यहीं पर 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के करीब 5 बजे हैं और 2.5 घंटे की मेरी नींद पूरी हो गई। 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और बाकी लोग अभी सो ही रहे हैं, लवी उठ गई है तो वो मेरा साथ देगी। अब सुबह के 5:15 बजे भी इस हाईवे पर ट्रक का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना कि मत पूछो। रात में भी ट्रैफिक मिला था, उसमें भी आप जो है वो कट मार मार के पूरी रात गाड़ी चली है, और अभी सुबह लगा कि थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल और ज़्यादा रश है। ट्रक्स और जो नाइट बसेस होती हैं वो भर भर के अभी चल रही हैं। तो अभी हम लोग सूरत बाईपास पर हैं, और जो टोल प्लाजा है सूरत वाला, उसी के पास एक रेस्टोरेंट पर रुक गया मैं कि सुबह की एक कप चाय पी लूँ। एक्चुअली गले में हल्की सी खराश है, तो ब्रश वगैरह तो आगे होगा, और ट्रैफिक तो भाई साहब इतना बुरा हाल है कि मत पूछो। मुंबई मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब तक चालू नहीं होगा ना, ये जो ओल्ड दिल्ली मुंबई हाईवे है, इसका यही हाल है। एनीवे गाड़ी में सब सो रहे हैं, लवी उठी हुई है, आगे बैठी हुई है, और वीना को तो बहुत नींद आ रही है। खैर मेरी नींद कंप्लीट हो गई है, जहाँ सोया था उतना काफ़ी था। ट्रैफिक का हाल आप देख ही रहे हैं हाईवे पे। एनीवे गड्डी अपनी इधर खड़ी है, और गाड़ी अभी रिलेटिवली साफ ही है, अभी तो गंदी नहीं हुई है, बट आज दिन भर में ये पक्का गंदी हो जाएगी। एनीवे अब निकला जाए यहाँ से। तो सुबह के करीब 7 बजने वाले हैं और हम लोग नवसारी के आगे पहुंचे हैं। बाबू को पोटी आ गई थी तो यहाँ रुकना पड़ा एक ढाबे पे, बाकी अब निकलते हैं आगे।
इट्स 7:40 AM और हम लोगों ने पारडी क्रॉस कर लिया है और गूगल क्या कह रहा है कि पारडी से आप नासिक की तरफ मुड़ जाइए और नासिक से फिर पुणे होते हुए कोल्हापुर निकलिए। बट हम लोगों ने गूगल की बात नहीं सुनी, हम लोग जाएंगे तो इधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे होकर ही, और मे भी इधर गूगल को लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये रूट जो है मुंबई से पुणे वाला ये अपने लिए अनएक्सप्लोर्ड है, कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ड्राइव नहीं किया, तो जाना तो इधर से ही है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। और हाईवे पर जो ट्रक का ट्रैफिक है वो रात के मुकाबले अब थोड़ा कम है। 7:55 AM और हम लोग अब वापी क्रॉस कर रहे हैं, घर से अप्रॉक्सीमेटली 535 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया है और हमें निकले हुए करीब 13 घंटे से ज़्यादा हो गया। खैर अब दिन में जो है ना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। गूगल की हरकत देखिए, ये अभी भी नहीं मान रहा है, अभी भी कह रहा है ना कि नासिक होके जाओ, पता नहीं नासिक होके, जबकि रूट वो लंबा पड़ेगा। गूगल को बोलो, गूगल चुप, सेटअप, ट्रेन नहीं, सेटअप, सेटअप। अब हम लोग भिलाड़ चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं, ये गुजरात का आरटीओ चेक पोस्ट है, दैट मीन्स अब थोड़ी देर के बाद हम लोग गुजरात से महाराष्ट्र में इंटर करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका महाराष्ट्र में, बार दिखने लगे हैं एक दो जगह बियर और वाइन के बोर्ड्स घुसते ही दिखे, उससे पता चल गया कि अब हम लोग गुजरात से बाहर आ चुके हैं और महाराष्ट्र में इंटर होते ही नज़ारे बिल्कुल बदल गए, रोड कर्वी हो गई, दोनों तरफ रोड के हरियाली है और हल्का सा घाट जैसा भी है, आगे और घाट पड़ेगा। तो जी सुबह के करीब 8:20 हुए हैं और हम लोग रुक गए हैं तलसारी के पास, एक काठियावाड़ी होटल नीलगिरी करके, यहाँ देखा ना कि एक दो मुंबई वाली बसें रुकी हैं, कार्स भी रुकी हुई हैं, चलता फिरता ढाबा है। और देखिए दैविक निकलते ही नहीं, इसको जैसा लगता है जैसा आज़ाद हुआ है गाड़ी से। हाँ कूद ले भैया, तो सब लोगों ने ब्रश कर लिया, फ्रेश हो गए और अब जो घर से पूड़ी सब्जी लेकर आए थे ना वो ढेर सारा ले आए थे, बचा हुआ था। तो सुबह का नाश्ता जो है अपने घर वाले पूड़ी सब्जी से ही हो जाएगा, बस चाय ऑर्डर कर ली जाएगी। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया और गाड़ी के शीशे भी जो हैं वो साफ कर लिए, अब यहाँ से निकला जाए। हम लोग जब यहाँ शिफ्ट होने वाले थे नोएडा से गुजरात, तो उस शिफ्टिंग में हमारा एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि वहाँ से गोवा नज़दीक होगा। हम लोग जब से यहाँ आए थे तो मैं इनको बराबर कहती रहती थी कि अब हम लोग गुजरात तो आ गए, अब गोवा कब जाएंगे, तो हमेशा कहते रहते कि अभी छुट्टी नहीं है, अभी छुट्टी नहीं है, कि दिसंबर जनवरी में चलेंगे। तो दिसंबर जनवरी, दिसंबर पूरी बीत गई, जनवरी भी लगभग अब बीतने वाली ही थी। मेरे इतना प्रेशर देने के बाद हुआ कि चलो चलते हैं गोवा, नहीं तो फिर ये फिर हमारा प्लान कट जाता। गूगल अभी भी नहीं मान रहा है, अभी भी पता नहीं कहां से ये नासिक होकर ले जाने पर तुला हुआ है,
एनीवे द ब्यूटी रन कंटिन्यूज, हाईवे गजब मक्खन स्मूथ है और दिन में ट्रक का ट्रैफिक भी कम है। रात में जब हम लोग मुंबई गए थे सितंबर के दौरान, तब इस हाईवे पर हमने बहुत झेला था क्योंकि पूरा हाईवे हमने रात में पार किया था और सुबह 6 बजे मुंबई पहुंचे थे। अब लग रहा है कि इस पर दिन में चलना जो है ना वो ज़्यादा बेटर है। वाह वाह, वेस्टर्न घाट के देखिए मज़ेदार नज़ारे, क्या ऊंची ऊंची पहाड़ हैं। हाईवे लग रहा है जैसे इन्हीं पहाड़ों में घुस जाएगा। अरे बाप, कितना शार्प पीक है उधर में राइट साइड में, मस्त है भाई। ये दिन में ही मतलब हाईवे ट्रैवल करने के लिए है। लास्ट टाइम ये सब मिस हो गया था क्योंकि ये सब एरिया अपन सुबह में अंधेरे में 4 बजे क्रॉस कर गए थे जब मुंबई जा रहे थे। तो हम लोग अभी दहिसर के पास से क्रॉस कर रहे हैं और सुबह के करीब 10 बजे हैं। अब गूगल शो कर रहा है ना कि आगे बहुत तगड़ा जाम है 5-7 किलोमीटर का, जो वसई क्रीक है ना उसके आसपास। इसके वजह से हमारा जो अराइवल टाइम है कोल्हापुर का वो 9 बजे रात के बाद का दिखा रहा है। अब अपन इसीलिए शायद ये नासिक होके जाने के लिए कह रहा था। एनीवे अब अपन आ गए इधर तो चलेंगे तो उधर से ही। अभी भी देखिए लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ कर रहा है हरकत। तो वसई क्रीक से पहले हमने हाईवे छोड़ दिया क्योंकि आगे ना बहुत लंबा एकदम रेड दिखा रहा है गूगल में ट्रैफिक जाम। तो अब इधर से थाने जाने का एक दूसरा रास्ता है, थोड़ा लंबा पड़ेगा और आई थिंक नॉर्मल अनडिवाइडेड हाईवे होगा, तो इससे हम लोग जाएंगे अब। तो ये जगह है चिंचोटी नाका वसई, जहाँ हमने हाईवे छोड़ा है और अभी फिलहाल शहर के अंदर से जा रहे हैं। इसको भिवंडी रोड भी कहते हैं, शायद भिवंडी को कनेक्ट करेगा, लेकिन इस रोड की हालत इधर बहुत ख़राब है। एज एक्सपेक्टेड रोड की कंडीशन सही नहीं है और इस कोले खा खा के अपन जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। उधर वसई क्रीक होके जाओ तो उधर 32 मिनट्स का जाम तो गूगल दिखा रहा है। तो वसई क्रीक में 32 मिनट्स का जाम तो गूगल दिखा रहा है, रियल में तो शायद 1-2 घंटे लग जाए क्रॉस करने में। और गाड़ी इतने झटके खा रही है कि मिस्टर बाबू भी सो करके उठ गए। भाई ये रोड तो एकदम ख़त्म है, एकदम चलने लायक आए ना। अरे बाप रे बाप, गड्ढा में कहीं कहीं सड़क आ है। क्या हाल है भाई, महाराष्ट्र वाले मतलब सही में रोड का इतना ख़राब हालत क्यों रखे हैं, जबकि ये इनका इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ये जो रोड है इसको गूगल मैप पे चिंचोड़ी अर्जुन फाटा रोड दिखा रहा है। बाप रे, अगर वो जाम नहीं होता ना तो इधर से नहीं आना चाहिए था, बहुत ख़राब रोड है। और अभी हम लोगों को इसमें और आई थिंक 8-10 किलोमीटर चलना है। टेम्परेचर 31 डिग्री चला गया है और कार में फुल एसी चल रहा है। रात में भी टेम्परेचर जब हम लोग गुजरात में थे तो 16-17 से नीचे नहीं गया था, और इसीलिए हम लोगों ने सर्दी के कोई कपड़े लिए भी नहीं, कुछ पहना भी नहीं था। पहले से पता था कि इस साइड जो है महाराष्ट्र और गोवा साइड तो गर्म ही होगा, बाकी हाईवे जो है ना ये ख़राब है और इस पर आदमी धीरे धीरे चल रहा है। और मतलब बड़ा बुरा लगा देख के पीछे कि इस पर एक टोल प्लाजा था, हालांकि छोटी गाड़ियों का टोल लगता नहीं है महाराष्ट्र में, बट फिर बड़ी गाड़ियों से भी टोल क्यों ले रहे हैं, मतलब इतने बेकार हाईवे के लिए। तो करीब अभी 11 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए भिवंडी। घर से करीब 680 किलोमीटर कवर हो चुका है और भिवंडी से अब हम लोग जाएंगे कल्याण की तरफ, नहीं भिवंडी से जाएंगे थाने की तरफ। और भिवंडी में हम लोग बड़े लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, यहाँ भी रोड सारा टूटा फूटा हुआ है,
धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसमें, पुलिस लगी हुई है जाम हटाने में। फाइनली जी जाम से निकल करके भिवंडी से हम लोग थाने की तरफ जा रहे हैं, और यही रोड जो देख रहा हूँ मैं ना, ट्रक वाले भी यूज कर रहे हैं, मतलब मुंबई को बाईपास करने के लिए। मतलब मुंबई जाना और उसको बाईपास करना भी ना, मतलब हद है भाई। मुंबई का एक्सपीरियंस हमेशा खराब ही रहता है। हम लोगों को चाय पीना है, चाय कहाँ पीना है जी? कहा जहाँ भी मिलता है, चाय के लिए ढंग का ढाबा तक नहीं मिल रहा है। बाहर सब इतना मतलब डस्ट है, धूल गंदगी है, रुकने का मन नहीं कर रहा है कहीं। तो जी ये आ गया अब मुंबई से नासिक वाला हाईवे, जिसके नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग मुड़ रहे हैं इधर थाने जाने के लिए। मतलब थाने होकर यही रोड फिर मुंबई चला जाता, बट अपन थाने से फिर पुणे की तरफ कट ले लेंगे। मुंबई नासिक हाईवे पे भी देखिए काम लगा हुआ है। वो शायद जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, वो इसी में आके कनेक्ट होगा, उसी का काम होगा। 6 लेन या 8 लेन ये बनने वाला है। तो ये रोड भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इस पर भी हम लोग जो है ना 2-3 किलोमीटर और आगे जाएंगे और फिर यहाँ से वहाँ से इस हाईवे को छोड़ देंगे। हाँ भाई, हम लोग थाने पहुँच गए। अब यहाँ से टर्न ले रहे हैं हम लोग। अब ये पता नहीं कौन सा हाईवे है, ये हमें थाने बाईपास कराएगा। और उस सामने आप थाने की बिल्डिंग्स देख सकते हैं। हम लोग अभी उल्हास नदी पार कर रहे हैं। पार नहीं कर रहे, किनारे 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 चल रहे हैं, सॉरी। और ये कितनी बड़ी, कितनी मतलब समंदर के पास है। हाँ, समंदर के पास है, इस वजह से पानी एकदम लपालप भरा हुआ है। इधर देखिए क्या खतरनाक ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसके नीचे एक तरफ नदी, एक तरफ पहाड़, बीच में ये रोड। रोड की कंडीशन ठीक ठाक है, भिवंडी वाले रोड से तो बेटर ही है। अभी हम लोग मुंबरा नाम का एरिया क्रॉस कर रहे हैं। पीछे मुंबरा माता मंदिर भी आया था पहाड़ियों पे। और ये NH-48 ही है, जो दिल्ली मुंबई हाईवे है ना, वही ये हाईवे है। पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम करके आखिर हम लोग इसी पर आते हैं, अगर हम लोग वसई क्रीक होके भी आते तो। वो सामने से अभी मेट्रो गई, ये मेट्रो लाइन, और हम लोग अभी नवी मुंबई के आउटर स्कर्ट्स में हैं। तो फाइनली नवी मुंबई क्रॉस करके अब हम लोग आ गए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, जिसका कब से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। अरे मतलब हेडेक है मुंबई पास करना, चाहे आप वसई होके पास करें, भिवंडी होके पास करें, मतलब बहुत बड़ा हेडेक है। एनीवे अब जो है इस एक्सप्रेसवे का आनंद लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पे हम लोग पहली बार आए हैं। जब भी पटना से गोवा आते थे तब हम लोग इधर नासिक से सीधे पुणे निकल जाया करते थे, तो अब इधर से मुंबई से पुणे पहली बार जा रहे हैं। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये 6 लेन का हाईवे है और ये सीमेंटेड रोड है। तो इसमें अब यहाँ पे दिख रहा है पुणे 106 लोनावाला 41, उसके नीचे क्या लिखा था, खंडाला 30। तो भाई लोना वाला खंडाला सब तो इसी पे आता है, और इस पे बरसात में जो है ना, मानसून में ड्राइव करने का अलग ही आनंद है। एनीवे अब आगे घाट क्षेत्र आएगा, घाटी आएगी, देखते हैं भाई। वो बहुत सारी वीडियोस में ही देखा था आज तक। टनल आ गया, टनल इस हाईवे पे पता नहीं कितने टनल हैं, पुणे के आगे भी है। ये छोटा वाला लग रहा है।
एक जाम से निकले तो हम लोग दूसरे जाम में आके फंस गए। मतलब अजीब एक्सप्रेस वे है भाई, इस पर ट्रैफिक जाम इतना क्यों लग रहा है? पीछे तो रोड का काम हो रहा था, अब यहाँ भी आगे कुछ होगा। अब ये आ गया जी टनल नंबर 2। बीच में एक्चुअली ना रोड का काम चल रहा है, इसीलिए रोड जो है ना डिस्टर्ब है और जहाँ तहाँ ट्रैफिक जाम लग रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट करके जब से हम लोग चले हैं लगातार चल ही रहे हैं, हालांकि बहुत स्लो चले हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम ही मिल रहा है। अब भूख लगने लगी है, दोपहर के 1 बज गए और इस एक्सप्रेसवे पे कुछ मिल नहीं रहा है कहीं। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे वो रेस्ट स्टॉप होगा या ढाबे वगैरह होंगे। तो घर से जो लेकर आए थे हम लोग ठेकुआ वगैरह, अब वही लंच होगा, क्या किया जाए आगे। लेकिन अब कहीं जा मिलेगा ना कुछ ढाबा होगा तो पक्का रुकना पड़ेगा एक बार। और ये फिर से फंस गए हम लोग तीसरे ट्रैफिक जाम में ऑन पुणे एक्सप्रेसवे। तो पता ये क्या फ़ायदा एक्सप्रेसवे से जाने का भाई, खाली जाम ही लगता है इस पर। यहाँ एक्चुअली दो गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हुआ है, एक तो हुंडई की ग्रैंड नियोस है और एक पीछे से अर्टिगा है, आगे में भी है। तीन गाड़ियों का हो गया है इस कारण। लेकिन आगे थोड़ी देर के बाद फिर ट्रैफिक जाम है, अब आगे भी एक्सीडेंट है, क्या है, रोड बन रहा है, पता नहीं। आगे टोल प्लाजा आने वाला है और इधर लेफ्ट साइड में भी नए टोल प्लाजा बन रहे हैं और उसी की वजह से पिछले 2 किलोमीटर से जाम है लग रहा है। तो फाइनली ट्रैफिक जाम से तो अपन निकल गए। अब यहाँ एक फूड प्लाजा दिख रहा है, बट इसमें यार पार्किंग नहीं होगा ना। फूड प्लाजा में हम लोग घुसे और यहाँ भी देखिए लंबा ट्रैफिक जाम। मतलब आज तो गजब किस्मत ख़राब है भाई, जहाँ जा रहा है आदमी ट्रैफिक जाम ही मिल रहा है। हम लोग वापस गाड़ी घुमा के बाहर की तरफ निकल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है भाई अंदर जाके। अंदर जाके कोई फायदा नहीं है, इस एक्सप्रेसवे पे एक्चुअली है नहीं ना कहीं रेस्ट स्टॉप, तो जहाँ एक आया वहीं पे सब कोई रुक गए हैं। तो फाइनली एक जगह थोड़ी पार्किंग मिल गई तो अपन बाहर में ही रुक गए। और ये फूड प्लाजा है भाई, गजब भीड़ भाड़ है, एक कप चाय पीने के लिए भी यहाँ मारा मारी है। मतलब ऐसा एक्सप्रेसवे क्या बनाना था कि रेस्ट स्टॉप ही नहीं बनाए हैं कहीं। चलो भाई अभी जल्दी चलो, वैसे भी ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट है। चलो छोटो ये जूता पहन रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने फूड प्लाजा में ये वड़ा पाव मिला और हड़बड़ी में ये लोग ना वड़ा और पाव अलग अलग दे दे रहे हैं, यही ऑर्डर कर लिया, अब यही खा लिया जाए क्योंकि यहाँ हालत ठीक नहीं है। मतलब कुछ भी जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं ना जल्दी मिल नहीं रहा है, लंच अच्छा नहीं रहा। नहीं जी हाँ, हाईवे पर तो खास कुछ लंच रहा नहीं, वड़ा पाव लेकिन ठीक ठाक था। हाँ, वड़ा पाव ठीक ठाक था। अब चलो कोई बात नहीं, रात में ना अच्छे से कहीं डिनर कर लेंगे। हाँ। अब क्या करेंगे, मतलब एक्सप्रेसवे पे कुछ है ही नहीं ऐसा, और जाम और भीड़ से हम लोग ना परेशान हो गए। लवी चला जाए, चलो बैठो बैठो। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नज़ारे दिखाते हुए हम लोग पुणे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं एक ब्रीफ समरी दे दूं तो करीब 760 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है और अभी दोपहर के 2 बजे हैं। निकले थे हम लोग कल शाम के 6:30, तो आप सोच लीजिए पता नहीं कितने घंटे हो गए, 19-20 घंटे होने वाले हैं और अभी तक मात्र 750 किलोमीटर चले हैं। तो ये ट्रैफिक जाम का हाल रहा है और घाट सेक्शन शुरू होते ही फिर लंबा ट्रैफिक जाम। देखिए गूगल मैप पूरा लाल है, आगे पता नहीं कितने किलोमीटर्स तक, और मे भी 26 जनवरी है ना इसलिए ज़्यादा हो। ऐसा अगर रोज रहेगा तो इस एक्सप्रेसवे से तो मतलब जाना ही बेवकूफ़ी हो जाए। जहाँ तक नज़र जा रही है ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और चढ़ाई है, तो गाड़ी भाई एक गियर में किसी तरह से धीरे धीरे आदमी खींच रहा है।
ट्रैफिक जाम से निकालने के लिए पुलिस वालों ने दूसरे वाले लेन में सबको भेज दिया। अब ये पता नहीं, और इधर तो खैर अभी थोड़ा खुला खुला है, ऊपर से भी रोड जा रही है, नीचे से भी रोड है, ऐसा कुछ है सिचुएशन। अभी दोनों तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और ऊपर की तरफ ही जा रही हैं पुणे के साइड। ये देखिए, पुणे से जो मुंबई ट्रैफिक आ रहा है ना, उसको रोक करके उनका वाला लेन जो है ना, वो पुणे जाने वालों को दे दिया, तब जाके यहाँ से जाम खुला है। लेकिन बेचारे वो फंसे हुए, देखिए आप पीछे लंबा जाम तक कितना लंबा है। तो हम लोग पुणे पहुंचने वाले हैं, बाबू को सुसु लग गया था तो 2 मिनट के लिए रुक गए, और मैंने भी हाथ मुंह धो लिया है, अब चलते हैं आगे। हाँ जी, तो एक्सप्रेसवे खत्म हुआ और नाउ वी आर ऑन पुणे बाईपास। पुणे क्रॉस करने में करीब हम लोगों को 1 घंटे लग जाएगा। इधर लग रहा है मेट्रो का काम चल रहा है और हम लोग धीरे धीरे पुणे क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी फोर्थ गियर में चल रही है, स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50। ट्रैफिक हाईवे पर हाई है बट जाम नहीं है, इस बात की खुशी है। जोश भी अपना अभी हाई है। लवी तेरे को पता है तो कितनी बार पुणे आई है? हैं, पहली बार आई थी 4 साल की थी, 2 बार गोवा ट्रिप पे, और 1 बार जो हम लोग शिरडी आए थे पटना से तब भी आई थी, 4 बार। और ये पांचवी बार है, मेरे को लगा 3-4 बार। लवी और दैविक दोनों अपने लिए लस्सी लिए, मेरे को तो कुछ खाने का मन नहीं है। तो पुणे से करीब 30-40 किलोमीटर आगे कातरज के बाद हम लोग रुक गए थे 1 मिनट ऐसे ही एक छोटे से होटल पे। एक्चुअली वॉशरूम यूज करना था और सोचा कि अब चाय तो नहीं पियेंगे, कुछ छोटा हल्का फुल्का खाना पीना हो तो ये लोग खा लेंगे। इट्स 4:20 PM और अभी हम लोग पुणे और सतारा के बीच में हैं, और जहाँ तहाँ भाई वाइन की शॉप्स दिखने लगी हैं। हालांकि आज 26 जनवरी है तो बंद है। और एक क्या है ना कि इधर बहुत सारी रेस्टोरेंट मिलेंगे जिसमें आपको मच्छी और मटन भाकरी मिलता है, मटन भाकरी, चिकन भाकरी। तो इससे पहले मैं जब भी गोवा आया हूँ 2 बार, दोनों बार इधर रुक के ज़रूर खाता था नॉनवेज। 2021 के बाद से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। लास्ट गोवा आया था 2020 में, 2020 में दिसंबर में, तब इधर खाया था मेरे को याद है। तो चीज़ें कैसे बदल जाती हैं समय के साथ, देखिए। उस समय इन ढाबों को देख करके मैं बहुत एक्साइट हुआ करता था कि यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है, ये खाना है, और अब सारा एक्साइटमेंट चला गया।
सामने मस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और इसी में हमें जाना है। अच्छा, गाड़ी में जो है ना तेल जो है वो कम हो गया है, हालांकि है अच्छा खासा, फिर भी महाराष्ट्र में ले लिया जाएगा। मज़ा आ रहा है जी घाट में चला करके। वैसे भी इस नई गाड़ी को लेने के बाद अभी तक हम लोग पहाड़ों में तो गए नहीं, बाकी इन घाट्स में थर्ड और फोर्थ गियर में ही क्रेटा बड़े आराम से चढ़ जा रही है। पिकअप सही है इसका, वैसे भी 115 BHP है। पिछली वाली जो ग्रे वाली क्रेटा थी ना वो 90 BHP थी, उसका दम थोड़ा फूलता था, उसको अक्सर सेकेंड गियर में खींचना पड़ता था। ये चढ़ जा रही है आराम से। राज किस्मत देखिए भाई साहब क्या है, थोड़ा देर घाट में चढ़े नहीं कि वापस ट्रैफिक जाम में फंस गए। अब ये पता नहीं कितना लंबा जाम है क्या है, हल्का हल्का जाम खुला है तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट जाम जो है ना बहुत आगे तक है, लंबा है। गूगल में तो पूरा जो है ना आगे कुछ किलोमीटर्स तक रेट दिखा रहा है। ये सिचुएशन है अभी। अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे और एक कुत्ता आके टकरा गया और नीचे का जो फॉग लाइट होता है वो पूरा अंदर घुस गया था। अब वही रवि निकाल रहे, फॉग लाइट तो पूरी टूट गई है। रोड ट्रिप में भाई एक्सीडेंट हो गया, खैर पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, पहले भी हमारे साथ हुआ है, इससे बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अगर जाने लायक हालत रही तो गोवा कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा वापस जाएंगे। गाड़ी को चलने में दिक्कत नहीं है, ये बम्पर वगैरह सब टूट गया इसका, पूरा डैमेज हो गया, इधर ही आके छुट्टा मार दिया इसका। बहुत तेज़ी से आया था हाईवे पर, हेडलाइट वगैरह तो ठीक है और ये सारा उखड़ गया है, पूरा ये उखड़ के बाहर आ गया। अभी मैंने अभी सेट किया है, सब उखड़ के बाहर आ गया, बंद हो गया। गोल घुमाओ, हाँ नीचे ऊपर करो, अरे गोल नहीं घुमाना है, गोल घुमा के ऊपर करो, नीचे करो, कहाँ कोई असर हो रहा है। अरे यार हम कहाँ गंदा करवाओगे, बंद कर दो लाइट, काम चलाओ तो उपाय कर दियो। ये तो शायद अब नया ही लगाना पड़ेगा, दैसी भी उठ गए। तो जी एक्सीडेंट होने के बाद तो मूड तो पूरा ऑफ हो गया है, मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहता था, बट वीना कह रही है कि अब जो हो रहा है भाई ये भी दिखाई दीजिए। वैसे भी कोई बहुत मेजर तो नहीं है, माइनर ही एक्सीडेंट है, तो अब इसका आगे अभी रिकॉर्ड करने का मूड नहीं है, तो हम लोग इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नहीं जी, हाँ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, नमस्कार।